भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें धान की खेती का विशेष योगदान है। वर्ष 2016-17 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 27.5 करोड़ मीट्रिक टन था, जिसमें से कुल 4.5 करोड़ हेक्टेयर में करीब 11 करोड़ टन धान का उत्पादन हुआ, यानी भारत के कुल खाद्य उत्पादन का 40% केवल धान ही है। और इसी धान के किसान की फसल केवल उसकी कमाई का साधन ही नहीं है, बल्कि उसकी उम्मीद है, उसके सपने हैं। उस फसल के भरोसे ही वो और उसका पूरा परिवार भविष्य के सपने संजोता है। इस फसल के भरोसे ही किसान अपने परिवार से वादे करता है। उसका आत्मविश्वास भी फसल ही है। आत्मविश्वास वादे निभाने का, सच बोलने का और जो कहा सो कर दिखाने का। लेकिन फफूंद एक ऐसा रोग है जो केवल फसल में ही नहीं लगता, बल्कि किसान के आत्मविश्वास को भी लग जाता है। फफूंद फसल का उत्पादन तो कम करती ही है, साथ ही उसकी गुणवत्ता भी खराब कर देती है, जिससे किसान को दाम भी कम मिलता है, यानी दोहरा नुकसान। धान की फसल में लीफ ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट यानी गर्दन तोड़ ऐसे रोग हैं जो न तो पत्तों को पूरा पोषण लेने देते हैं और न ही किसान को पूरा उत्पादन। इसी ब्लास्ट के कारण हर साल धान के उत्पादन में 20-50% की कमी आ जाती है। ब्लास्ट से खराब हुई फसल से किसान के हाथ में क्या आता है? लागत भर निकल जाए वही बहुत है। ऐसी परिस्थिति में जिस फसल की उम्मीद पर उसने अपनों से जो भी वादे किए थे वो अधूरे रह जाते हैं और वो झूठा साबित होता है। अंततः फफूंद धान के साथ साथ उसके आत्मविश्वास की गर्दन भी तोड़ देती है। पेश है क्रिस्टल का एजोट्रिक्स, धान की दुश्मन फफूंद का सबसे खतरनाक बीमारियों यानी लीफ ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट से पूरी तरह छुटकारा। दे लंबे चमकदार दाने भरी बालियां और मिले मनचाहा मुनाफा। तो अब करो हर वादा पूरा क्रिस्टल का एजोट्रिक्स।